नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इंडस्ट्रियल मशीन टूल के चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं पाइप शेड्यूल एंड पाइप वेट के बारे में। तो दोस्तों, आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको इसमें हम समझाने वाले हैं पाइप शेड्यूल और पाइप वेट के बारे में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि हर कुछ आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और दोस्तों, और किसी भी टॉपिक को आपको वीडियो समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उस टॉपिक का वीडियो आपको देने की प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं पाइप थिकनेस फॉर शेड्यूल साइज के बारे में बताने वाले हैं, यानी पाइप शेड्यूल के बारे में और पाइप वेट के बारे में इस वीडियो में आपको फुल डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर हमारे इसके पहले वाली वीडियो को अगर आप लोग वॉच नहीं किए हैं तो उससे जाकर देख लीजिएगा, उसको देखने के बाद से इस चार्ट को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको बताया क्या है, सबसे पहले आप चलिए आपको हम बता देते हैं एक एक करके, उसके बाद से आपको हम सब कुछ इसमें बताने वाले हैं कि इस साइज में कैसे समझाया गया है, यानी इस पीडीएफ में कैसे आपको समझाया गया, यानी इसमें एक बार आपको अच्छे से बता देंगे उसके बाद से आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसको चाहे तो आप प्रिंट करके अपने पास रख भी सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसमें और कुछ आपको अच्छे से नॉर्मली तरीके से इसमें आपको बताया गया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इस पीडीएफ चार्ट में। दोस्तों, इस पीडीएफ चार्ट को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसमें जब हम पीडीएफ लिंक इसमें दें तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आप चलिए आपको इसमें हम डिस्कस कर देते हैं पाइप सेफ्टी यानी थिकनेस वाल्व के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको जैसे दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको दिया होगा, देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले यानी नॉमिनल साइज, उस वीडियो को अगर देखेंगे जो बताएं तो उसमें बताएं इसको कहा जाता है NPS यानी नॉमिनल पाइप साइज, यहाँ आप दिया है नॉमिनल पाइप साइज। उसके बाद सब देख सकते हैं आउटर डायमीटर, उसके बाद देख सकते हैं आपको किस शेड्यूल का पाइप है, उस शेड्यूल में आपका थिकनेस क्या होगा, इसमें आपको पूरे अच्छे से विस्तार से बताया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं। अरे दोस्तों, किसी भी पाइप साइज को आप अच्छे से डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए इसमें से एक डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप अच्छे से उसे समझ लीजिएगा ताकि इसमें उसी प्रकार से सभी है, यानी एक आप समझ लेंगे तो आपको और समझने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से उसका बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक समझा देते हैं, उसके बाद से आपको हम बताने वाले हैं पाइप वेट के बारे में, यानी इसका वेट कैसे निकाला जाता है, इसका वेट क्या है, कैसे इसमें हम समझेंगे, यानी इस एक इंच का पाइप है या दो इंच का पाइप है उसका वेट क्या होगा, उसके बारे में भी हम इसमें फुल डिस्कस यानी फुल डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और ज़रूर देखिए ताकि ये आपको हर समय आपको आपके इंडस्ट्री में काम आने वाला है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, जैसे कि आपको बता दें सबसे पहले दो इंची का पाइप पे क्लिक लेते हैं, जैसे कि आपको सामने नीचे जो दिया हुआ दो इंची का है, यानी आपको इसमें इंच और MM दोनों बताया गया है, तो जो नीचे है इंच है और जो ऊपर की है मतलब मोटे ब्लैक में अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है वो MM में, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया आपका इंच में और ये हो गया आपका MM में, यानी दो इंच का पाइप है, यानी दो इंच को जब हम MM में कन्वर्ट करेंगे यानी दो इंच को मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 से तो आपको हो जाएगा 50.8 MM, यानी 50.8 MM यहाँ पे, तो ये हो गया। और उसके बाद उसका हो जाएगा यानी इसका आउटर डायमीटर क्या हो जाएगा तो 60.3 MM, यानी आपको इसमें सिर्फ 12 यानी 12 तक के याद करने होते हैं, अगर इतना याद कर लेंगे तो उसके बाद से आपको याद करना नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद से आपको तो आपको आउटर डायमीटर निकाला हो तो उसके इंच में से मल्टीप्लाई करें। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि 2 इंची का ये है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको MM में 50.8 MM हो जाएगा, तो उसके बाद से यानी इसका आउटर डायमीटर कितना जाए 60.3 MM हो जाएगा। और इसका जो देखेंगे नेक्स्ट यानी शेड्यूल, किस शेड्यूल में हमको इसका थिकनेस कितना है, जैसे कि आप 40 शेड्यूल का पाइप यूज कर रहे हैं
और इसमें देखना है 2 इंच के पाइप में इसका फुटेज शेड्यूल में इसका थिकनेस क्या हो, यानी 3.91 थिकनेस हो जाएगा। यानी इसी प्रकार आपको किसी भी जैसे 80 शेड्यूल का पाइप यूज कर रहे हैं उसमें देखना है उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं 5.54 इसका ये थिकनेस हो जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसी तरह आप किसी भी का भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 इंची का पाइप है यानी इसका क्या हो जाएगा 25.4 mm हो जाएगा, और इसका आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा तो 33.4। और दोस्तों अगर इंच में देखना चाहते हैं तो जैसे इंच में देख सकते हैं 2 इंची का पाइप है यहाँ पे, और इसका इंच में कितना हो जाएगा आउटर डायमीटर तो 2.375 इंच हो जाएगा। और इसका देख सकते हैं शेड्यूल 40 में यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा तो 0.154 इंच, यानी ये इंच का भी आप देख सकते हैं और एमएम का देख सकते हैं, यानी दोनों इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया दिया गया है, आप दोनों में समझ सकते हैं। तो हम आपको एमएम में समझा रहे हैं, आप एमएम और इंच में दोनों में बता दे रहे हैं, आप दोनों में समझ लीजिएगा, आपको जिसमें आपको ज़रूरत पड़े उसमें आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि आपको 1 इंच में देखना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि 1 इंची का है इसका क्या हो जाएगा आउटर डायमीटर 33.4 mm, इसका शेड्यूल 40 में देखना है तो शेड्यूल 40 में देख लीजिए 3.38 mm, इसके बाद शेड्यूल 80 में देखना है तो देख लीजिए 4.55 mm। इसी प्रकार आप किसी भी शेड्यूल में देखना चाहते हैं उसका थिकनेस तो आप आसानी से देख सकते हैं। आपको पिछले जो वीडियो बताएं उसमें बताया है कि पाइप का आउटर डायमीटर वही होता है, उसका साइज वही होता है, सिर्फ उसका थिकनेस उसके शेड्यूल के अनुसार बदलता रहता है, यानी कम और ज़्यादा होता रहता है। अब अधिक शेड्यूल में यूज करेंगे तो उसका थिकनेस अधिक होगा, और शेड्यूल कम में यूज करेंगे तो उसका थिकनेस कम होगा। तो वैसे ही इसमें शेड्यूल में सिर्फ उसके थिकनेस में सिर्फ बदलाव होते रहते हैं। तो आपको हम पिछले वीडियो में डिटेल्स से फुल डिटेल्स से बताएं, आप उसे जाके वॉच कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इसमें शेड्यूल को चार्ट वीडियो चार्ट में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब वेट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम देख सकते हैं पाइपलाइन वेट, यानी कोई पाइप है पाइपलाइन है उसका अगर वेट हमको ज्ञात करना होगा तो वो भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंची का पाइप है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंची का पाइप है, अगर उसका आउटर डायमीटर आपको बताए थे 60.3 mm 60.3 mm, अब उसका किस शेड्यूल में उसका वेट कितना होता है ये भी हमको वेट यानी उसका भार कितना होता है ये आपको इसमें चार्ट में आपको दर्शाया गया है। यानी अगर शेड्यूल 40 में देखेंगे तो उसका वेट क्या दिया है 5.42 kg, यानी 5 kg 42 ग्राम, यानी 5 kg 420 ग्राम, ये आपका दिया है, यानी कितना का 1 मीटर, यानी 1 मीटर जो मतलब पाइप होता है 1 मीटर उसकी लंबाई इसमें बताया गया है। यानी किसी भी शेड्यूल में देखेंगे उसके 1 मीटर का ही लंबाई के बारे में उसके 1 मीटर का ही भार आपको वेट बताया गया है। यानी अगर देख सकते हैं 3 इंच का पाइप है, अगर शेड्यूल 80 में कितना है तो 3 इंच का पाइप शेड्यूल 80 में यानी दिया है 15.24, यानी 15 kg 240 ग्राम, यानी 15.24 kg, हाँ यानी अब इसका वेट इतना हो जाएगा 1 मीटर, यानी 1 मीटर लंबे पाइप का, यानी 1 मीटर का यानी पाइप का इसमें वेट बताया गया है। जैसे कि आपका एक लंबा जैसे कि आपका एक लंबा 10 मीटर का पाइपलाइन है, 10 मीटर का एक लंबा पाइपलाइन है, अगर शेड्यूल 2 इंची का पाइप है और शेड्यूल 40 का है, यानी शेड्यूल 40 यानी 5.42 kg यानी 1 मीटर का, अगर 10 मीटर लंबा है तो यानी 10 मीटर लंबा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 5.42 से,
जैसे 10 मीटर लंबा पाइप है उसका 1 मीटर का निकालना है, तो 1 मीटर का हमको मालूम है उसका यानी 5.42, तो उसका कितना आ जाएगा देख सकते हैं, आपको आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए 5.42 यानी 54.2 केजी, यानी 54.2 केजी, यानी 10 मीटर लंबे पाइप का इसमें 40 शेड्यूल में आपको ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसे 1 मीटर का यानी 1 मीटर लंबा पाइप का दिया होता है, इसके अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आपको हम आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, और इसका डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके इस PDF चार्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।